नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और हम पहुंचे हैं टोहाना लघु सचिवालय में। आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंचा हुआ है और आपको हम एक बार बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। कुछ दिन पहले किसानों के पैसे लेकर टोहाना से एक आढ़ती फरार हो जाता है और पैसे वापस करने के लिए मना कर देता है, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए किसान लगातार 3-4 महीने से धरनारत हैं और आज किसानों ने जो कॉल दी थी कि 3 जनवरी को किसानों द्वारा या तो रेल रोकी जाएगी या जो सड़क मार्ग हैं उनको अवरुद्ध किया जाएगा और एक बड़ी संख्या में यहां पर जो किसान है वो पहुंचे हैं और एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी कुछ दिन पहले किसानों ने दी थी और आज तो किसान लघु सचिवालय के अंदर भारी तादाद में पहुंचे हैं, तो उसी को लेकर प्रशासन है जो वो अलर्ट है और काफ़ी संख्या में यहां पर पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिकारी और पुलिस महकमा के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहां पर किसान भी भारी तादाद में पहुंच चुके हैं और कुछ समय बाद यहां पर किसानों की एक मीटिंग होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या ट्रेन रोकी जाएंगी या फिर जो सड़क मार्ग हैं वो अवरुद्ध किए जाएंगे। किसानों ने ऐलान किया था कि अनिश्चितकालीन ये जो धरना है वो चल रहा है और अनिश्चितकालीन ही रेल रोको या सड़क रोको आंदोलन किया जाएगा। तो आज भारी तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो किसानों ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था 3 जनवरी का, तो उसी को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचा हुआ है और किसान है लगातार पहुँचना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी संख्या में किसान है जो पहुँच चुके हैं, तो एक बार वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। मामला हम आपको फिर बता देते हैं, टोहाना के आढ़ती और किसानों का मामला है। आढ़ती द्वारा किसानों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाने का मामला काफ़ी समय से यहां पर चल रहा है और आढ़ती हुकमचंद और उनका एक छोटा बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। किसानों का आरोप है कि 4 लोग इसमें थे। पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने 2 लोगों को निकाल दिया है, तो इन किसानों की यही मांग है कि 4 लोगों को गिरफ्तार करके जल्द से जल्द किसानों का जो पैसा है वो दिलवाया जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो किसान हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर हम आपको रियल न्यूज हरियाणा पर टोहाना के लघु सचिवालय से दिखा रहे हैं।